देखिए सिंधिया जी कांग्रेस में थे जब तक नेता थे, अब वे नेता नहीं है। अब पहले महाराज कहते थे, अब वे भैया आ गए हैं बीजेपी में जा कर के, और अब सिंधिया जी का कोई वजूद नहीं है वहाँ। केवल राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और जयवर्धन जी और हमारे गोविंद सिंह जी, इनका वर्चस्व है। 100% कांग्रेस सरकार बनेगी और अब की ऐसे कोई विधायक नहीं होगा जो सिंधिया खरीद के ले जा सके। सब टिकाऊ विधायक होंगे, 5 साल सरकार चलेगी, आराम ही करेगी, जनता ही नकार देगी, क्योंकि गद्दार इनके बाप दादा भी रहे, ये भी गद्दारी जो इस समय करके गए, उसका नतीजा इनका ये रहेगा कि ये अगले लोकसभा भी नहीं जीत सकते हैं, विधानसभाओं में इनका बिल्कुल वजूद नहीं रहेगा, इनके समर्थक 2 विधायक के अलावा तीसरा विधायक भी नहीं आएगा जिसमें वो राज्यसभा में भी आए, वो तो विभीषण खत्म होगा। छोटे नेता बोला उनको प्यार से लोग मामा जी बोलते हैं, कह रहे इस बार फिर से भांजा और भांजी जिता देंगे हमारे। कौन सा भांजा भांजी है, भांजियों की जो है और बलात्कार हो रहा है, भांजियों के ऊपर मूता जा रहा है और जो है सबको लूटा जा रहा है, ये है उनका। वो कंस मामा है, कंस भी मामा थे, माहिल मामा भी उरई में थे जब अलाउद अल के समय, तो इनका दायित्व क्या रहा है हमेशा, बर्बादी। तो ये बर्बादी वाले सिंह अपने उमा क्षमा श्रापौते भारी, अपने कर्म जाहि अबकारी, ये हमारे रामायण में एक चौपाई है। शिवराज सिंह अपने कर्म से ही चले जाएंगे, अब उनका दिन पूरा हो गया है, अब जान चली चला का बेला, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। महिलाओं का रुख क्या है इस बार मध्य प्रदेश की महिलाओं का? महिलाएं तो सबसे ज्यादा परेशान है, 3-3 साल 4-4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जो हम लोग पूरे भारत में मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण आप क्या देखने, मध्य प्रदेश को गिरवी कर दिया है अडानी और अंबानी के चक्कर में, विकास की बात आप कर रहे हो। माननीय 15 वर्ष से माननीय गिरीश गौतम विधायक हमारे यहाँ देवतलाव के हैं, मोटरसाइकिल में विधानसभा अध्यक्ष क्षेत्र में जा रहे हैं। क्यों मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, सड़क नहीं बना पाए हो, आपकी सरकार थी, सरकार थी, कांग्रेस बनाएगी और ये प्रधानमंत्री आवाज बात कर जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है, बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा, ये कांग्रेस का नारा है। हम जोड़ने आए मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी की पूरे भारत में। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक है, जहां कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी की टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा कहीं ना कहीं जो है आगे दिखाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वही चेहरा है जिसने बीजेपी पार्टी को जो है कुर्सी पर बैठा दिया था। तो क्या ये तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार फिर से चुनाव को बदल देंगे? मध्य प्रदेश की जनता से ही जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का इस बार हाल क्या है, क्योंकि कमलनाथ ने ये वादा कर दिया, कमलनाथ ने ये घोषणा कर दी कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। हालांकि यहां पर जो है आपने देखा कि कैसे विधायक तोड़ लिए, किस तरीके से बीजेपी जीत गई, जहां एक तरफ मामा जो है बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, फिर से अपने भांजे और भांजियों को जो है प्रेम देकर सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं दो तरफा तो है, लेकिन जीत किसकी हो जाएगी इस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका Next9 News में। दर्शकों, हम बात करेंगे कुछ मध्य प्रदेश के ही लोगों से कि आखिर चुनावी माहौल इस समय जो है मध्य प्रदेश के अंदर क्या बना हुआ है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विजेंद्र कुमार। सर, सर किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हम लोग अम्बा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। सर, क्या इस चुनाव जो चल रहा है, क्या रणनीतियां हैं, क्या चुनौतियां हैं आप सबके लिए? रणनीति तो है कि जो बीजेपी की सरकार है काफ़ी दिनों से 18 साल से लगातार रही है, उसको परिवर्तन करने की कोशिश है सभी लोगों की विधानसभा में, और अब इसीलिए कांग्रेस की सरकार बनने की ज़्यादातर उम्मीद है। परिवर्तन तो हुआ था सर, परिवर्तन हुआ था, सवाल आपसे ले लेता हूँ, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सिंधिया जो है बीजेपी में चलेगा, आपको लगता नहीं है कि इस बार फिर से ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए सिंधिया जी कांग्रेस में थे जब तक नेता थे, अब वे नेता नहीं है। अब पहले महाराज कहते थे, अब वे भैया आ गए हैं बीजेपी में जा कर के, और अब सिंधिया जी का कोई वजूद नहीं है वहाँ। केवल राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और जयवर्धन जी और हमारे गोविंद सिंह जी, इनका वर्चस्व है। 100% कांग्रेस सरकार बनेगी और अब की ऐसे कोई विधायक नहीं होगा जो सिंधिया खरीद के ले जा सके। सब टिकाऊ विधायक होंगे, 5 साल सरकार चलेगी,
आराम से कमलनाथ जी। अगर चुनाव के पहले सिंधिया घर वापसी कर जाते, क्योंकि कई खबरें ऐसी भी आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, स्वीकार करेंगे सिंधिया को? नहीं करेगी, जनता ही नकार देगी, क्योंकि गद्दार इनके बाप दादा भी रहे, ये भी गद्दारी जो इस समय करके गए, उसका नतीजा इनका ये रहेगा कि ये अगले लोकसभा भी नहीं जीत सकते हैं, विधानसभाओं में इनका बिल्कुल वजूद नहीं रहेगा, इनके समर्थक दो विधायक के अलावा तीसरा विधायक भी नहीं आएगा जिसमें वो राज्यसभा में भी आए, वो तो विभीषण खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आई थी, हालांकि गिर गई थी, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मजबूत नजर नहीं आ रही है पिछली बार के मुकाबले? कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से जो है मजबूत है, वो इतनी मजबूत है कि अब की बार ना कोई बिकेगा ना ही डगेगा, और ना ही कोई जो है, क्योंकि जो शिवराज सिंह और इन्होंने जो सरकार गिराने का जो सिस्टम बनाया धमकी दे करके, वो कोई डरने वाले नहीं, अब गलत लोगों को ही नहीं रखेंगे, ये तो गलत आदमी था इसलिए धमकी में आके और बिक गया पैसे की दम पे, क्योंकि पैसे वाला राजा नहीं, ये गद्दार पूर्व से था इसलिए गया। शिवराज सिंह चौहान को जनता क्यों नहीं, क्यों नकार रही है, ऐसा क्या कुछ काम नहीं? शिवराज सिंह चौहान जो है झूठे नेता हो चुके हैं, उन्होंने जैसे पंचायती राज व्यवस्था को तो ध्वस्त कर दिया, जो गांधी जी का सपना था कि गांव में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम कर रही थी, तो पंचायती राज त्यत्रवा संशोधन हुआ, लेकिन उन्होंने उसको भी जो प्रशासनिक अधिकार, छोटे नेता बोला, उनको प्यार से लोग मामा जी बोलते हैं, कह रहे इस बार फिर से भांजा और भांजी जिता देंगे हमारे, कौन सा भांजा भांजी है, भांजियों की जो है और बलात्कार हो रहा है, भांजियों के ऊपर मूता जा रहा है और जो है सबको लूटा जा रहा है, ये है उनका, वो कंस मामा है, कंस भी मामा थे, माहिल मामा भी उरई में थे जब अलाउद्दीन के समय, तो इनका दायित्व क्या रहा है हमेशा बर्बादी, तो ये बर्बादी वाले मामा हैं, अब जनता समझ चुकी है कि क्या है इनका बर्बादी वाले मामा। आप क्या सोचते हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? हम लोग मंदसौर जिले से, मलालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हम लोग, और हमारी जो विधानसभा है मलालगढ़, वहाँ पिपलिया मंडी जो एक जो हमारा कस्बा है, वहाँ पर जो हमारा किसान अन्नदाता 2017 में अपनी फसलों के वाजिब दाम मांग रहे थे, उस समय शिवराज सिंह सरकार ने 6 किसानों के सीने पे गोलियां मरवाई थी, वो 6 किसान शहीद हुए थे, आदरणीय राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी सारे लोग वहाँ पे आए थे, लगभग पूरे देश मध्य प्रदेश के 5,00,000 किसान इकट्ठे होते, और वहीं से जो 2018 का विधानसभा चुनाव था तो वहाँ संकलन हुआ था और वो किसान आंदोलन हुआ था, उससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज वहाँ पर महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और जो अन्याय अत्याचार लगातार हो रहा है किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के ऊपर, अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर, ये इससे लोग सब प्रताड़ित हो गए, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, और अब जब चुनाव थोड़े से दिन बचे हैं तो बहनों की याद आ गई, भाई 18 साल से 4 बार के CM शिवराज सिंह चौहान ही है, तब बहनों की याद क्यों नहीं आई? अब व्यापारियों की सारे घोषणाएं कर रहे हैं, खजाना खाली पड़ा है, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली लोगों को, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो अब जनता बीजेपी और शिवराज सरकार से उब चुकी है। तो भरोसा क्यों, कमलनाथ फिर से भरोसा जता रहे हैं, फिर से CM बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? कमलनाथ जी ने पिछली बार जो वचन दिया था उसमें से उनके 315 वचन पूरे हुए, 17 माह की सरकार थी, 27 लाख लोगों का कर्जा माफ़ हुआ, ये बीजेपी के मंत्री श्री कमल पटेल जी ने विधानसभा में बताया था, इसलिए लोगों को कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा है, और इस बार कमलनाथ जी की सरकार उनके नेतृत्व में 150 सीट के आसपास आएगी। कहा तो ये जाता है कि सिंधिया जिस तरफ मुड़ जाते हैं उस तरफ जनता मुड़ जाती है, तो ऐसा होता तो सिंधिया जी तो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, फिर जनता कैसे नहीं मुड़ी, तब तो जनता को मुड़ जाना चाहिए था। लोकसभा विधानसभा बड़ा अंतर होता है? नहीं नहीं, इस बार सिंधिया जी के क्षेत्र में सिंधिया जी को बहुत मुँह की खानी पड़ेगी, और सिंधिया जी के क्षेत्र से ही वहाँ के अध्यक्ष BD शर्मा जी भी वहीं से आते हैं, उसके अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के, और ये इस बार देखने आपको मुँह की खानी पड़ेगी उनको उन्हीं के क्षेत्र में। देखिए आप लोग उठते बैठते होंगे समाज में, लोगों के साथ मिलते जुलते होंगे, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो समाज के साथी हैं, वो क्या सोचते हैं, जैसे कि देखा जाए तो बीजेपी के लोग भी बैठते होंगे, तरह तरह की बातें होती होंगी, उनका क्या रुख है, जनता का रुख क्या है? मैं राष्ट्रीय सरपंच संघ का जो है प्रदेश का महासचिव भी हूँ, सरपंचों के बीच में मैं बैठता हूँ, जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था खत्म करी, गांव में लोग सरपंच पर भरोसा करते, प्रधान पर भरोसा करते, लेकिन ये घोषणा तो कर देते हैं, जो कंप्यूटर पर कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो थोती घोषणा होती है वो, तो सरपंच जब गाली खाने लगा तो सरपंचों ने भी जनता को बता दिया कि ये जो है झूठा है, कहता है कि अभी उन्होंने कहा कि लाडली बहना के नाम पे 21 साल वालों को भरेंगे, एक दिन वो 23 साल के उनके बीच के जो डिफरेंस वाली वो महिला सरपंच के पास
जाती हैं, रोती हैं, तो वास्तव में जो गरीब महिला है वो फिर भी रह गई, जो केवाईसी के नाम पर रह गई, कभी आधार कार्ड के सुधार के नाम पर रह गई, आधार कार्ड को सुधारने पर 300 रुपये लग रहा है। बड़ी रैली में सर आवाज़ आती है शिवराज सिंह चौहान की कि 18 सालों में विकास 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 ही किया है, भाजपा पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, कौन सा विकास आपने मध्य प्रदेश में देखा? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का विकास हमने देखा, सबसे भ्रष्टाचार का विकास हमने देखा, महिलाओं के साथ अत्याचार और न्याय का विकास देखा। आज मध्य प्रदेश की बहनों के साथ जितना न्याय अत्याचार हो रहा है, हम लोग पूरे भारत में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, ये शिवराज सिंह की उपलब्धि है। पर शिवराज सिंह चौहान को कैसे उखाड़ेंगे आप? देखिए सिंधिया उनके साथ हैं, तमाम नेता साथ हैं, इसके साथ बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, भांजा और भांजियों के साथ अपनी भाषण को शुरुआत कर रहे हैं, कैसे आप उखाड़ेंगे? शिवराज सिंह अपने उमा क्षमा श्रापौते भारी, अपने कर्म जाहि अपकारी, ये हमारे रामायण में एक चौपाई है। शिवराज सिंह अपने कर्म से ही चले जाएंगे, अब उनका दिन पूरा हो गया है, अब जान चली चला का बेला, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। महिलाओं का रुख क्या है इस बार मध्य प्रदेश की महिलाओं का? महिलाएं तो सबसे ज्यादा परेशान हैं, 3-3 साल 4-4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जो हम लोग पूरे भारत में मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण आप क्या देखोगे, एक बच्ची के साथ 5 लोग, 5 साल की बच्ची के साथ 4 लोग बलात्कार कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में बलात्कार के मामले में पूरे भारत में हम नंबर 1 पर हैं, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर हैं, चिकित्सा शिक्षा के मामले में हम लोग 0 हैं, और बेरोजगारी तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चरम पर है। अब तो भारत और वर्सेस इंडिया की लड़ाई हो रही है, भारत का नाम, इंडिया का नाम बदलना चाह रहे हैं, ये सब हंसी मजाक का खेल है। इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, और इंडिया ही आएगा, और भारत साथ में जुड़ा रहेगा। गठबंधन जो है इस बार घाटा खाएगा, गठबंधन टूट जाएगा, ये तो अभी घोसी चुनाव आपने देख लिया, सादरी चुनाव हुए उसमें आपने रिजल्ट देख लिया, अब ये चुनाव जब आएगा सर पे तब इनको समझ में आएगा, अभी ये तो हवा में उड़ रहे हैं, ये अमेरिका और पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है, इंडिया के लोग स्वाभिमानी होते हैं, और इंडिया के स्वाभिमान के लिए सब कुछ करने को आज भारत की जनता तैयार है। भारत लिख दिया, संदेश दे दिया कि भारत ही है सब कुछ, प्रेसिडेंट भारत लिख दिया, क्या भारत के संविधान, इंडिया के संविधान को बदल देंगे? मोदी जी हो या कोई हो, जो हमारे राष्ट्र का संविधान है, जो राष्ट्र की व्यवस्था है, क्या उसको चेंज कर देंगे? संविधान में इंडिया शब्द हटा देंगे? संविधान की बात भी चल रही है, नए संविधान की, ये नया संविधान एक मोदी जी के बस की बात नहीं है, उस संविधान में हमारे महापुरुषों की का उसमें विचार रखे हुए हैं, मोदी 7 जन्म के आएंगे तब भी हमारे संविधान को हम लोग उनको नहीं बदलने देंगे, और जिस दिन मोदी संविधान बदलने की बात करेंगे उस दिन है, उसके बाद एक भी नहीं, ना मैं सरपंच हूँ, लगातार 6 बार से सरपंच हूँ, मैं ग्राम सभा चलाता हूँ, मुझको एक इंदिरा आवास जोड़ने का अधिकार नहीं है, न ग्राम सभा को अधिकार है, सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो सर्वे हुआ था वही बजट आज खर्च हो रहा है, जिसका मोदी जी ढिढोरा पीट रहे हैं, अलग ने कुछ नहीं दिया है। यात्री प्रतीक्षालय जो मोदी जी की जिसमें फोटो लगती है, यात्री प्रतीक्षालय में 3.5 लाख रुपए का TS हो रहा है, और जो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना है वो 1,20,000 रुपए देते हैं और साल में 2 लाख रुपए से ऊपर देते हैं। आप बताइए कि आप गिट्टी बालू सीमेंट कितना महंगा है, गाँव में ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा है, वो सब कर्जे पे डूब, बालू चोरी हो रही है क्या? बालू की, अरे भैया पूरा देश चोरी हो गया, बचा क्या देश में? अरे सर बारू चोरी कहाँ हो रही है, देश में बचा क्या? सब अंबानी ले लिया, अडानी ने कोयला ले लिया, लोहा ले लिया, बालू ले लिया, गिट्टी ले लिया, ट्रांसफार्मर ले लिया, सब कुछ तीनों ले लिया, देश में बचा क्या? राम जी बचे थे, उनको कहा वो भी हमारे राम जी है, जब हम राम नाम करते हैं हम लोग कांग्रेस के लोग तो बोलते हैं राम नाम हमारे आपके राम नहीं है, ये राम के नाम पे राम की दुहाई ना दें, हम लोग कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, कोई भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भारत का जो, भारत का ये जो जगह आप खड़े हुए हैं यहाँ से भाईचारा उत्पन्न होता है, पूरे देश में संदेश जाता है कांग्रेस पार्टी का कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग हमारे यहाँ या हर लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी ने एक योजना लगाया कि हर सांसद एक एक गांव को गोद लेगा। हमारे सीधी सिंगरौली की सांसद ने सिंगरौली जिले के डगा गाँव को गोद में लिया है, वहाँ कि क्या दुर्दशा है आप किसी मीडिया वाले से पूछ लीजिए, वहाँ लोगों को उनका रास्ता बंद कर दिया गया, वहाँ कोयला डंपिंग करा दिया गया, यहाँ तक कि गरीबों के
के पेट में डंडा घुसेड़ दिया गया। 15 साल से माननीय 15 वर्ष से माननीय गिरीश गौतम विधायक हमारे यहाँ देवतलाव के हैं, मोटरसाइकिल में विधानसभा अध्यक्ष क्षेत्र में जा रहे हैं। क्यों मोटरसाइकिल में जा रहे हैं? सड़क नहीं बना पाए हो, आपकी सरकार थी, सरकार थी, कांग्रेस बनाएगी और ये प्रधानमंत्री आवाज बात कर जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है, बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा, ये कांग्रेस का नारा है। हम जोड़ने आए मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी की, पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी हम लोग पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात ही है, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव जो है नजदीक है 2024 का, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोगों से आपने जाना कि वहाँ पर विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार शिवराज सिंह चौहान को जिता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ को लेकर बात कर दी गई है कि ये कह दिया गया कमलनाथ जो विकास कर रहे थे वो विकास लगातार करते रहेंगे, और मध्य प्रदेश की जनता का जो रुख है जो यहाँ देखने को मिला वो लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा है। अब चुनाव के नजदीक ये देखना पड़ेगा, जब विधानसभा क्षेत्रों में हम जाएंगे जनता से जो है पूछेंगे कि क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो देखा जाएगा समय के साथ। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की तैयारियां यहां पर देखने को मिली उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ भी जो है पूर्ण जोर शोर के साथ तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज, कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।